हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आज से हमारी वीडियो की सीरीज चलेगी, तो आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है हमारा, जो कि BSSC का जो CGL 3 का वैकेंसी अभी जो चल रहा है, उसका जो PT का एग्जाम होने वाला है, उसमें यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा तो उस हम वीडियो में बात करते करते हम बताएंगे, जो कि यह वीडियो कैसे और किस तरह से आपको 100% हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखते हैं, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है, नाम सही रहता है इसका, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। तो चारों ऑप्शन क्लियर रहेगा, एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। एक क्वेश्चन और इससे आ गया, जो कवकों की बार बार पूछता है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बार बार पूछा जाता है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन, ऑप्शन ए राइट होगा। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, एकदम याद रखिएगा, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ऊपर में विषाणु है, तो विषाणु का खोज कौन किया था? इवानोवस्की किया था, विषाणु का खोज इवानोवस्की किया था। और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है और विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। आगे है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चट्टान, चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, आराम से समझिए, चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे है, सर्प का अध्ययन, सर्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है, एकदम आराम से समझिए, सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। रात के 11 बज रहा है और ये वीडियो अभी बन रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। बात करते हैं, पहले वीडियो कंटिन्यू करते हैं फिर बात करते हैं। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है और सर्प का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। फलों का अध्ययन पूछता तो पोमोलॉजी हो जाता, फल का अध्ययन पूछता तो पोमोलॉजी होता, लेकिन परागकण का अध्ययन है तो पेलिनोलॉजी होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे देखते हैं, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। फलों का अध्ययन रहता पोमोलॉजी होगा। आगे देखिए, एगोस्ट्रोलॉजी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एगोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। एगोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी हो गया। एग्जाम में पूछता है, सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूर्य का अध्ययन हीलियोथेरेपी कहलाता है, क्या कहलाता है? हीलियोथेरेपी, आराम से समझिए, सूर्य हिल हिल के निकलता है, तो सूर्य कभी पूरब कभी पश्चिम हिलते रहता है, तो सूर्य का अध्ययन हीलियोथेरेपी कहलाता है। और चंद्रमा का अध्ययन, यही पर अगर पूछ दे चंद्रमा का अध्ययन क्या होगा, तो सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी, आराम से देखिए, चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी कहलाता है और सूर्य का अध्ययन हीलियोथेरेपी कहलाता है। क्वेश्चन था, एगोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घास का अध्ययन एगोस्ट्रोलॉजी में होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे पूछता है, अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी,
टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सी का मतलब होता है जहर, तो टॉक्सिकोलॉजी में विष का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगर एग्जाम में पूछ देवे कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो कि आपको एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है, देख लीजिए। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी, विष का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, सूर्य का अध्ययन हीलियोथेरेपी। हिल हिल के सूर्य निकलता है, पूरब निकलता है पश्चिम डूबता है, हिलते रहता है, तो सूर्य का अध्ययन हीलियोथेरेपी, और चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी। तो इतना एकदम क्लियर है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखिए, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, इपिग्राफी। आगे देखिए, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन हो गया हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है, विष का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है, शिलालेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ईजी है, बार बार पूछता है भूकंप का अध्ययन, ये सबको पता होगा, सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, ठीक है। तो आराम से देखते हुए आगे बढ़ना है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटेमोलॉजी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एंटेमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान, कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। आगे है अगला ऑप्शन है कॉस्मोगोनी, यह क्या होता है? ब्रह्मांड उत्पत्ति का अध्ययन जो होता है वह कॉस्मोगोनी में होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन कॉस्मोगोनी में किया जाता है। आगे है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है, एकदम समझते याद करते हुए चलना है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब एक बात आप लोग समझिए, ये वीडियो आप लोग देखिए और आपके पास जो भी बुक हो, लुसेंट हो, एसपीडी हो या क्राउन हो, कोई भी बुक हो, आप इस टॉपिक को उठा करके एट ए टाइम याद कर लीजिए। उसमें का जितना भी हो लॉजी से संबंधित है अध्ययन वाला, सब याद कर लीजिए। एग्जाम में आपका एक नंबर फिक्स है दोस्त, खाली मेहनत करो और कुछ नहीं करना है। बीएसएससी सीजीएल बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा जॉब है, तो अगर इसमें रिजल्ट लाना है तो दिन को दिन नहीं समझो, रात को रात नहीं समझो, खूब पढ़ो, रिजल्ट होगा। जैसे मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जो भी आदमी मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के जस्ट बाद आप लोग सीधा बुक खोलो और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी बुक में दिया हुआ है सबको याद करो। 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, जितना देर लगे याद करो, तभी आपका रिजल्ट होगा और तभी आप सफल होइएगा। तो मेरा वीडियो में मेन मोटिव यही है, जो आप यहाँ से 25 क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्कशन देखिए, लेकिन इसके बाद बुक से भी इस टॉपिक को कवर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब ब्रह्मांड उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है, तो वो कॉस्मोगोनी है, ये है कॉस्मोगोनी, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, तो यह कॉस्मोगोनी है। और ब्रह्मांड का अध्ययन कहेगा तो कॉस्मोलॉजी होगा, ऑप्शन ए होगा, 7 नंबर का ऑप्शन ये होगा। आगे है कॉस्मोलॉजी हो गया, ब्रह्मांड का अध्ययन, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी देख चुके हैं, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। स्वप्न, आदमी जो सपना देखता है तो सपना, स्वप्न का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन, नींद और स्वप्न में अंतर है, नींद हिप्नोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। अगला है कैलोलॉजी, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी क्या है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन ए राइट होगा। जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 क्या है? रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन, तो सेरिकल्चर, यह जो ऑप्शन सी है यही राइट आंसर होगा। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, रेशम पालन है। एपिकल्चर मधुमक्खी पालन है, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन है। पीसी कल्चर मछली का पीस बनाते हैं, याद रखिएगा पीसी कल्चर मछली पालन है।
मत्स्य पालन है, मछली पालन है, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन है, और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है खेती का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, रेशम पालन क्या कहलाएगा, तो रेशम कीट पालन पीस सेरिकल्चर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यही रहता है मछली का अध्ययन, तो हो जाता है पीसी कल्चर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी, तो यह हमारे घर में इधर से उधर टहलते रहता है छिपकली, छिपकली का अध्ययन कहलाता है सौरोलॉजी। सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी, लेकिन छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सांप का अध्ययन देख चुके हैं, ऑफियोलॉजी हो चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। या सब ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त बहुत एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं कि अभी जितना पढ़ लोगे ना एग्जाम बहुत ईजी जाएगा। आज के समय में कंपटीशन का एग्जाम निकालना बहुत ही ईजी है, करोड़ों बच्चा का भीड़ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको पढ़ना है, जितना से जितना हो सके हमको पढ़ना है। ठीक है, अभी रात के 11 बजे, कोई अगर कोई बच्चा सोचेगा अरे अब सो जाते हैं, नींद आ रहा है सो जाते हैं, उस टाइम दोस्त सो मत, ये सोचो कि तुम अभी सो रहे हो तो कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई बच्चा 11 बजे रात में पढ़ रहा होगा, तो उसका रिजल्ट होगा कि आपका रिजल्ट होगा। इसलिए सोना नहीं है, आप लोग खूब पढ़िए, जितना आपका माइंड आपका बॉडी बर्दाश्त कर सके उतना पढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी राइट होगा। कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, त्वचा का अध्ययन मानव के त्वचा का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, और वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन रहता है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन तब डेंड्रोलॉजी होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी, नाम पकड़िए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है जिसमें पीएच का चर्चा किए थे। तो रक्त का पीएच मान 7.4 7.4 होता है, और आंसू, मनुष्य का जो आंसू निकलता है तो आंसू का पीएच मान 7.4 ही होता है। तो रक्त और आंसू दोनों का पीएच मान 7.4 ही होता है। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। सब देख चुके हैं, स्वप्न का अध्ययन ऑनरोलॉजी, नींद का अध्ययन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हिमेटोलॉजी का रक्त, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है क्वेश्चन, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मिला है, एग्जाम में पूछता है चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चींटियों का अध्ययन कहलाता है मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी सब बुक में नहीं मिलेगा, तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसको, चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। आगे है कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी हो गया। आगे है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, देख चुके हैं पहला क्वेश्चन में, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। उसके बाद पूछ रहे एग्जाम में सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, सवालों की कोशिका भित्ति, ये क्या हो गया सवाल हो गया, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और सवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो एकदम आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे है मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया, क्वेश्चन देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन याद होगा डिस्कस किया ऑर्निथोलॉजी, नाम से पकड़ना है ऑर्निथोलॉजी, पक्षी आया तो ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। देख लीजिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
जो नवजात बच्चा होता है उसकी शिशु का 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्या होगा नियोनेटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जंतु विज्ञान जियोलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान में जंतु, लेकिन कौन, तो जीवित और मृत, ऑप्शन सी होगा जीवित और मृत, दोनों प्रकार के जानवर का अध्ययन जंतु विज्ञान में होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वर्मी कल्चर में किसका, वर्मी कल्चर तो वही है केचुआ पालन है, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है वह कौन सा होता है, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो कीड़ा होता है वर्म होता है वह अर्थवर्म होता है, ऑप्शन डी होगा। देख लीजिए ध्यान से, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, केचुआ को कोई आंख नहीं होता है, एग्जाम में पूछता है जो केचुआ को कितनी नेत्र होती है, तो केचुआ को कोई आंख नहीं होता है। ठीक है, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन होता है, तो अर्थवर्म होता है। आगे देखते हैं, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, देखिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किस में, तो ध्यान दीजिए सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसी कल्चर मछली का पीस पीस बनाते हैं, पीसी कल्चर मछली पालन। आगे है एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है, यह है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी राइट होगा। एकदम आराम से दोस्त समझिए, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन आप पढ़िए, एग्जाम में जरूर आपका रिजल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फिर से सुनिए, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणों की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणों की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे है, कोई वीडियो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो इसको जल्दी आप खत्म करते हैं। अगला है गलत संयोजन चुने, भाप इंजन आविष्कार किया था जेम्स वाट, सही है। अगला है टेलीफोन, टेलीफोन की खोज किसने की थी, ग्राहम बेल ने की थी, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, तो यह गलत है। टेलीविजन जेल बियर्ड ने की थी, और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी गलत है, यही खोजना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आरबीसी की संख्या किससे मापते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसी की संख्या मापते हैं हीमोसाइटोमीटर से, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, ताप मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, रक्तचाप मापते हैं किससे, ब्लड प्रेशर मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, बीपी किससे मापते हैं, ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से, लेकिन आरबीसी की संख्या मापते हैं तो हीमोसाइटोमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आरबीसी की संख्या किससे मापते हैं, हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, किसने सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किया, पेसमेकर कृत्रिम हृदय में इसका उपयोग होता है, तो पेसमेकर का आविष्कार किया था ऑप्शन ए जॉन हॉब्स राइट आंसर होगा, सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किया था जॉन हॉब्स ने। आगे है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मेंडल के बारे में जानते ही है। आगे है आनुवंशिकता की खोज ग्रेगरी जॉन मेंडल ने की थी, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो रिक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी 1935 में की थी, 1935 में की थी, तो हम लोग पिछले वीडियो में यह देख चुके हैं। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, तो क्वेश्चन था योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन ए डार्विन होगा। आगे है अगला क्वेश्चन है औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट था, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद टाइम कम मिलता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जब तक एग्जाम हो तब तक अच्छा से आप लोग का हम मदद जितना से जितना हो सके मदद कर पाए। और बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट आते रहता है कि सर अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ जॉब, किस में जॉब कर रहे हैं, तो हाँ भाई मेरा टेक्नीशियन में जो हम जॉब कर रहे थे रेलवे का, वो अब हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमको बिहार एसएससी बीएसएससी में जॉब हो गया है, तो बीएसएससी में हमको राजस्व कर्मचारी का पोस्ट मिल गया है, तो अब एक महीना के अंदर में उधर ही हम ज्वाइन करेंगे, तो रेलवे को हम टाटा बाय बाय करेंगे और बिहार राजस्व कर्मचारी में ज्वाइन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को एकदम अच्छा से देखिए, और वीडियो देखने के बाद
हम जो आप लोग से अपील किए हैं, जो कि मेरे वीडियो के साथ ये चीज कीजिएगा, वीडियो आप लोग देखिए और उसके बाद एट ए टाइम कोई भी बुक निकाल के आप लोग उसमें से पढ़िए जरूर, क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और एग्जाम में जब भी जाने एग्जाम देने जाइए तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे इसमें का ये क्वेश्चन छूट गया, नहीं, जितना बुक में दिया हुआ है उतना आप पढ़ लीजिए, आपका एक नंबर आएगा, आपका रिजल्ट होगा, इसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ जितना आप पढ़िएगा आपका तैयारी बढ़ेगा, तैयारी बढ़ेगा तो आपको जॉब होना ही होना है, इसलिए मेहनत कीजिए। और फिर लास्ट में वही बात, रात के अभी 11:30 हो रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको जॉब नहीं होगा तब तक आपका वैल्यू जीरो है, इसलिए आप पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। वीडियो को जितना से जितना होगा शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।